सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, यह है साहिबाबाद RRTS स्टेशन। इस पे जो वर्क चल रहा है अभी इस टाइम पे, वो दोनों साइड के एंट्री और एग्जिट पॉइंट बनाने का काम चल रहा है। तो एक साइड का एंट्री एग्जिट जो पॉइंट है, वो तो आपको बता दूँ कि आधा बन के कम्प्लीट हो गया है, और जो राइट हैंड का है दोस्तों, उस पर अभी वर्क चल रहा है, वो जोड़ा जाएगा। और दूसरी बात देख सकते हैं, ये लाइन यहाँ से ये वसुंधरा साइड होते हुए और ये निकलेगी गाजियाबाद के RRTS के स्टेशन के लिए। दोस्तों तस्वीरें देख सकते हैं, और यहाँ से ये स्टार्ट हो जाता है मोहर नगर का चौराया, जहाँ पर यहाँ पर ये आपको बता दूँ रेड लाइन ये जा रही है, ये दिलसाद गार्डन के लिए जा रही है। दोस्तों तस्वीरें देख सकते हो दिल्ली के लिए। तो ऐसे ही दोस्तों, ये जवाली जगह आप बता सकते हो, कमेंट करके ज़रूर बताओ हमें नीचे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर मेरे प्यारे दोस्तों। और केपी संत लाता रहता है, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है। तस्वीरें देख सकते हो, व्यू यहाँ का देखो कितना सुंदर व्यू आ रहा है। तो आप लोग सजेस्ट करके बताओ नीचे कॉमेंट करके कि ये जगह कहाँ पर है, और आपको नहीं पता तो मैं तो बता ही दूंगा आप सभी को। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताना दोस्तों। और ये आपको बता दूं, एयरपोर्ट और दोहरा कुआं के बीच में जो फ्लाईओवर बनाया गया है, ये वहाँ की ये तस्वीरें हैं दोस्तों। तस्वीरें देख सकते हो कि कितना सुंदर व्यू आ रहा है यहाँ का। तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी को दिखाया जाए और बताया जाए दोस्तों। और दूसरा आ जाता है, ये देख सकते हो, ये स्टील का जो ब्रिज है वो बनाया गया। और ये पता कहाँ पर है? ये है आपका एम्स के लिए जब जाते हैं तो उससे पहले जो वो है बारापुल्ला, उस पर। और ये आ जाता है दोस्तों नेहरू स्टेडियम का व्यू। और यहाँ से जैसे ही हम उतरेंगे तो वैसे ही आ जाएगा ये क्या बारापुल्ला। यहाँ से ये RRTS क्रॉस करेगी इस बारापुल्ला को और जाएगी न्यू अशोक नगर होते हुए, और ये आ जाता है सराय काले खां दोस्तों। और सराय काले खां में देख सकते हो आधे पिलर बन के कम्प्लीट हो चुके हैं और आधे बचे हुए हैं बाकी, तो उन पर भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है तेज़ी के साथ में। देख सकते हो यहाँ सराय काले खां में बहुत तेज़ी के साथ में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। अभी पिलर को ही बनाया जा रहा है, स्टैंड किया जा रहा है, और ये प्लेटफॉर्म लेवल के देख सकते हो ऊपर इन्होंने गाटर लॉन्चिंग कर दी है। देख सकते हो गाटर लॉन्चिंग हो जाने के बाद में फिर फ्लोरिंग का काम किया जाएगा, जो सराय काले खां RRTS का स्टेशन बनाया जा रहा है दोस्तों। इस टाइम पर अभी एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट किया जाने का काम चल रहा है, यानी कि बीम डाले जा रहे हैं बीच में, यही वर्क चल रहा है सराय काले खां में दोस्तों। तस्वीरें देख सकते हो, मैंने सोचा क्यों ना आपको दिखाया जाए और बताया जाए दोस्तों। तो आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा आप सभी को। अच्छा लगा हो फिर भी कमेंट करें, ख़राब लगा हो फिर भी कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोज़ देखो। तो देख सकते हो ये जो बेस्ट ऑफ वंडर पार्क है, ये उस साइड का नज़ारा है दोस्तों। तस्वीरें देख सकते हो, और साइड में ये बनाया जा रहा है दूसरा फ्लाईओवर, और उस पर ये वर्क चल रहा है फाउंडेशन बनाने का। और पिलर का जो स्ट्रक्चर है देखो, वो सरिये वो रखे हुए हैं, बस यही पिलर बचा और ये कंप्लीट हो जाएगा बन के दोस्तों कुछ ही दिनों के भीतर भीतर। देख सकते हो ये है वैशाली की टनल, जहाँ पर ये वैशाली के सामने ये टनल निकलेगी दोस्तों। आनंद विहार से आ रही है ये टनल RRTS के, और यहाँ से ये एलिवेटेड पार्ट हो जाएगा, तो यहाँ से ये ऊपर हो जाएगा एलिवेटेड। तो आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर RRTS का काम चल रहा है तेज़ी के साथ में, टीम लगी हुई है दोस्तों। देख सकते हो टीम किस तरीके से वर्क कर रही है यहाँ पर इस वैशाली के सामने टनल का दोस्तों। व्यू देखो कितना सुंदर है, यहाँ से ये एलिवेटेड पार्ट हो जाएगा पूरा, एलिवेटेड होते हुए सीधा अब इस पर सारे एलिवेटेड रहे। तो देख सकते हो ये साहिबाबाद के स्टेशन पर, देख सकते हो ये रूफ टॉप का काम चल रहा है, यानी कि एंट्री और एग्जिट पॉइंट पे, और इसके फ्लोरिंग का काम चल रहा है जहाँ पर लिफ्ट लगाई जानी है, तो यही वर्क चल रहा है अभी। और ऊपर आपको बता दो कि प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स भी लगाए जा रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पर। और दूसरे साइड का जो है देख सकते हो, एक पिलर ये बन गया है, दूसरा पिलर पे ये अभी इस पर पियर कैप बनाया जाएगा, तीसरा ये देख सकते हो अभी ये स्टेयर बनाने का काम चल रहा है इस टाइम पे। और ये है पूरा व्यू यहाँ का
साहिबाबाद स्टेशन का दोस्तों जो बनाया जा रहा है RRTS का बहुत तेज़ी के साथ में, और जो दोनों साइड का स्ट्रक्चर है वो भी लगाया जा रहा है ताकि इसको सुंदर बना रहा है बहुत ज़्यादा। और आपको बता दूँ ये ब्लू कलर का भी स्ट्रक्चर इसे में जोड़ा जा रहा है, देख सकते हो वो साइडों में। तो आप लोग बताना कि वीडियो कैसा लगा, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए KP संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों। तो देख सकते हो ये है अर्थला का मेट्रो स्टेशन रेड लाइन का दोस्तों, जो ये जाएगी नए बस अड्डे शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश इंडिया के लिए दोस्तों। तस्वीरें देख सकते हो ये अर्थला का मेट्रो स्टेशन है। अगर हम पीछे जाएंगे तो पड़ेगा मोहन नगर का स्टेशन, फिर ऐसे होते हुए ये निकल जाएगा दिलसाद गार्डन मेट्रो स्टेशन के लिए दोस्तों। तो दिल्ली में ये एंटर हो जाए। अभी हम चल रहे हैं गाज़ियाबाद की साइड में। तो आप लोग बताना कि वीडियो कैसा लगा, आप सभी को अच्छा लगा हो कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहो KP संत के चैनल पर दोस्तों। तो ये देख सकते हो ये जो आपको ये एलिवेटेड पार्ट चमक रहा, ये है 10 किलोमीटर का पार्ट जो कि UP बॉर्डर से स्टार्ट होता है और ये राजनगर एक्सटेंशन में जाके ख़त्म हो जाता है दोस्तों, और ये आ जाता है हिंडन रिवर मेट्रो स्टेशन रेड लाइन का दोस्तों। और इसे क्रॉस करने के बाद में फिर आ जाएगा गाज़ियाबाद का RRTS का स्टेशन दोस्तों। तो उस पर दिखाते चल के और बताते चल के कि उस पर क्या क्या वर्क चल रहा है, कितना वर्क कंप्लीट हो चुका है, कितना टाइम लगेगा, तो वो सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। और बहुत ही सुंदर ये वीडियो है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखो पूरा, और अच्छा लगे तो हमें लाइक शेयर कमेंट कर देना दोस्तों। देख सकते हो ये रेड लाइन का ही स्ट्रक्चर है, जो रेड लाइन चल रही है ये हमारे शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन गाज़ियाबाद के स्टेशन से लेकर, और ये जाती है रिठाला तक दोस्तों। तस्वीरें देख सकते हो, और वो सामने आप सभी को चमक रहा होगा दोस्तों गाज़ियाबाद का RRTS का स्टेशन, जिस पर अभी रूफ टॉप का काम चल रहा है बहुत तेज़ी के साथ में, और इस पर प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स भी लगाए जा रहे हैं, और इसके जो इसका जो इसका थर्ड फ्लोर है उस पर फ्लोरिंग का काम चल रहा है। और इस पर आपको बता दूं गाज़ियाबाद के स्टेशन पे 5 एंट्री और एग्जिट पॉइंट बनाए जाने हैं, देख सकते हो तस्वीरें। एक तो इधर बन रहा है राइट हैंड पे, दूसरा ये लेफ्ट हैंड पे बनेगा, फिर आगे बनेगा, तो इसी तरीके से इसमें 5 ये एंट्री और एग्जिट पॉइंट बनाए जाने हैं दोस्तों। तो आप लोग बताना कि वीडियो कैसा लगा। तो देख सकते हो ये आपको बता दूँ कि ये gonna make it, they want me to do something that could make sense, they hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be, they sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing, so get a good job, don't slack off, wake up every morning, make a good impression on your boss, don't do anything. Third floor key जो फ्लोरिंग का काम है वो चल रहा है अभी गाज़ियाबाद के स्टेशन पर, और ऊपर आपको बता दूं प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स लगाए जा रहे हैं इस टाइम पे, और इसको जो सनरूफ का ये स्ट्रक्चर है उसको तो कंप्लीट कर लिया जा चुका है दोस्तों। अब इसका रूफ टॉप का काम चल रहा है, जो इसको ऊपर डाला जाएगा रूफ टॉप उसका काम चल रहा है अभी इस टाइम पर, और इधर ये फ्लोरिंग का काम चल रहा है, तस्वीरें देख सकते हो। अभी चलते हैं और घुमा के भी दिखाते हैं इस गाज़ियाबाद के स्टेशन को दोस्तों आप सभी को, क्योंकि इस पर दिन रात काम चल रहा है, मार्च में इस पर RRTS चलाई जानी है रैपिड रेल, तो इसी वजह से जोरों शोरों से काम चल रहा है अभी इस टाइम पे इस RRTS कॉरिडोर पर दोस्तों। Just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't get the fuck out of my way, then.
life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I had no questions. I had fun in every second, and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. देखो घूम जाते हैं और अब आपको दिखाते हैं दूसरी साइड का. तो दूसरी साइड का देखो आप सभी, ये देख सकते हो, ये है स्टेशन और इधर यह है, यह दूसरी साइड का. तो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, इधर से भी. इधर देखो ये बनाया जा रहा है एंट्री और एग्जिट पॉइंट. इस जगह पे यहाँ पर बनाया जा रहा है एंट्री और एग्जिट पॉइंट. तो इसके रूफ टॉप का काम चल रहा है अभी इस टाइम पे दोस्तों. ये देख सकते हो तस्वीर है, कुछ ऐसा है ये गाजियाबाद का स्टेशन. ये रूफ टॉप का काम चल रहा है इस पर और फैटरिंग बिठाई जा रही है अभी इस टाइम पे. ये देखो तस्वीर है और इधर ये एंट्री और एग्जिट पॉइंट बनाया जा रहा है. ये देख सकते हो तस्वीर है. अब चलते हैं आगे, उधर से दिखाते हैं चल के आप सभी को. तो आप लोग बताना वीडियो कैसा लगा. अच्छा लगा हो फिर भी कमेंट करें. तो इसके जो साइडों से जो बनाने का काम है देखो वो भी चलने लगा है दोस्तों, वो देख सकते हो. आगे से घूम के आते हैं और ये सामने आ जाता है रेड लाइन का मेट्रो स्टेशन दोस्तों, जो कि शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन है. और बीच में ये लगाया जा रहा है फौजियों का, ये देखो ये, और देखो ये आ रही है रेड लाइन की मेट्रो. वाओ. और यहाँ से हम घूम चुके हैं दोस्तों दूसरी साइड में. दूसरी साइड का व्यू आप देख सकते हो, यह है गाजियाबाद आरआरटीएस स्टेशन जो बनाया जा रहा है तेजी के साथ में दोस्तों. ये देखो अभी रूफ टॉप बनाने का काम चल रहा है अभी इस पे, दिन रात वो तो चलता है. तस्वीरें देख सकते हो और आप लोग बताना कि वीडियो कैसा लगा. ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों. ये देख सकते हो ये बनाया जा रहा है, आपको बता दूं एंट्री और एग्जिट पॉइंट. और उधर ये रूफ टॉप का काम चल रहा है और बीच में वो भी लगाए जा रहे हैं. तस्वीरें देख सकते हो, नज़ारे ये यहाँ के. तो यही वर्क चल रहा है अभी इस टाइम पे, इसको जोड़ दिया जाएगा. तो इस पर फ्लोरिंग का काम चल रहा है ऊपर की साइड में. ये देखो अब थोड़ा इधर से भी देख लेते हैं. इधर भी दोस्तों आपको बता दूँ कि काम चल रहा है अभी. ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से है ये जो क्रॉस कर रहा है, देखो रेड लाइन और फ्लाईओवर को क्रॉस कर रही है आरआरटीएस. और यहाँ पर ये पिलर बना दिए हैं एंट्री और एग्जिट पॉइंट के. ये देखो वर्क चल रहा है यहाँ पर तेजी के साथ में. ये रूफ टॉप और ये बनाने का काम चल रहा है अभी इस टाइम पे. अब चलते हैं आगे, तो यहाँ तक घूम जाएंगे हम. तो दोस्तों देखा आप सभी ने ये गाजियाबाद आरआरटीएस का स्टेशन कैसा लगा आप सभी को, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना. और चैनल को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना. और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा. और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय. जय हिंद जय भारत.